हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोर्थ वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम एक छोटा सा टॉपिक हैलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने जो तीन वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था, उसके बाद सेकेंड वीडियो में मैंने हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। देन उसके बाद मैंने डिस्कस किया था थर्ड वीडियो में हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, या इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। मैं आपको बोलता हूं अभी ये क्या होता है, बट उसके पहले ये सुन लें स्टूडेंट्स कि एक्चुअली आइडोफॉर्म क्या होता है। आइडोफॉर्म एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है CH3, ये याद करना पड़ेगा। वैसे आपने सुन रखा होगा क्लोरोफॉर्म, तो सुन ही रखा होगा। क्लोरोफॉर्म होता है स्टूडेंट CHCl3। क्लोरोफॉर्म एक पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, जो आपने देखा भी होगा फिल्मों वगैरह में कि क्लोरोफॉर्म सूंघा देने से आदमी जो है वो बेहोश हो जाता है। तो उसी प्रकार क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। उसी प्रकार आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3। तो आज मैं आपसे आइडोफॉर्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मैंने एकदम शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको मैं शॉर्टकट में काम की चीज़ें बता दूंगा, लास्ट में उसका डिटेल बताऊंगा, फिर हम कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइडोफॉर्म जो होता है वो होता है येलो प्रेसिपिटेट। क्या होता है स्टूडेंट्स? येलो प्रेसिपिटेट होता है। येलो प्रेसिपिटेट मतलब पीला अवक्षेप होता है। मतलब जब हम किसी रिएक्शन में हमको आइडोफॉर्म यदि मिलता है तो वो पीला कलर का एक अवक्षेप होगा, जो जिस बर्तन में हम रिएक्शन करा रहे हैं उसके बॉटम में वो बैठ जाएगा। तो ठीक है, इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। येलो प्रेसिपिटेट होता है आइडोफॉर्म। डिटेल जानने से पहले स्टूडेंट्स ये देख लेते हैं कि आखिर आपको ये टॉपिक क्यों मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, 2016 में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया हुआ है, और क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूं, इंग्लिश में आपके सामने लिखा हुआ है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। निम्न में से कौन सा यौगिक I2/NaOH, मतलब I2 और NaOH के साथ पीला अवक्षेप निर्मित करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट विथ I2 एंड NaOH। तो यहां पे चार ऑप्शन है स्टूडेंट, चार ऑप्शन के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। बट अब आपको क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। चलिए तो ये देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से कंपाउंड हैं जो येलो प्रेसिपिटेट या आइडोफॉर्म बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखने वाले हैं, डिटेल में पूरा बता देता हूं बहुत सिंपल शब्दों में। दुनिया में केवल चार टाइप के यौगिक हैं, चार टाइप के कंपाउंड हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। कौन कौन से कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं वो आप याद रख लेना, डायरेक्टली याद रखने वाले हैं। कौन सा कंपाउंड देता है? CH3 CH2OH, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट? इसका नाम है एथेनॉल। मतलब एक प्रकार का एल्कोहल आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है एथेनॉल। और कौन सा कंपाउंड देता है? तो ये होता है CH3CHO, इसका नाम क्या है स्टूडेंट? एसीटाल्डिहाइड। क्या है? एसीटाल्डिहाइड, ठीक है। तो एसीटाल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। कैसे देता है वो मैं आपको रिएक्शन लिखकर बताऊंगा अभी, डोंट वरी। अच्छा, दूसरा सुनिएगा, और कौन से? ये हो गया पहला कंपाउंड, ये हो गया दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है वो कौन सा है ये सुने। तो ये होता है, देखिएगा स्टूडेंट्स, एक एल्कोहल मैंने बनाया CHOH, ये एक प्रकार का एल्कोहल है। अब कार्बन की यहाँ पर कितनी वैलेंसी हो गई आप देखिएगा, एक हाइड्रोजन है, एक के साथ में OH जुड़ा है, मतलब दो वैलेंसी बाकी है। एक तरफ मैंने लिख दिया CH3, एक तरफ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है एक्चुअली में 2° एल्कोहल, जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि एक तरफ CH3 है, मतलब मेथाइल होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आप सुन लो कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है, देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके एक तरफ CH3 हो, दूसरे तरफ कुछ भी हो, इससे मेरे को मतलब नहीं है, एक तरफ CH3 होना चाहिए, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। कैसे देगा मैं भी बताऊंगा आपको। और लास्ट सुन लें,
एक कीटोन आपको मैंने बता रखा है, कीटोन होता है सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन की चार वैलेंसी होती है, तो ये दो हो गए और ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो एक तरफ क्या होना चाहिए, सी एस थ्री होना चाहिए, इस तरफ क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब मैं कोई भी कार्बन लिख सकता हूँ, कोई भी कार्बन लिख सकता हूँ, एल्काइल ग्रुप आर लिख दिया, तो क्लियर हो गए। तो ये केवल चार प्रकार के कंपाउंड है स्टूडेंट्स, केवल चार प्रकार के कंपाउंड जिसमें जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, कौन कौन से हैं, तो डायरेक्टली मेथेनॉल, डायरेक्टली एसिटाल्डिहाइड, डायरेक्टली ऐसा एल्कोहल जो 2 डिग्री हो, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हो, जिसके एक तरफ CH3 हो, और C डबल बॉन्ड हो, मतलब कीटोन होना चाहिए जिसके एक तरफ हो CH3। ये सभी कंपाउंड स्टूडेंट्स, ये सभी कंपाउंड को मैंने किसके साथ में रिएक्शन करा दिया, तो मैंने रिएक्शन करा दिया NaOH और किसके साथ में, I2 के साथ में रिएक्शन करा दिया। तो ये आपको फाइनली क्या बनाकर देगा स्टूडेंट्स, ये बनाकर देगा CHI3 जो कि होता है येलो प्रेसिपिटेट। तो मतलब इसको आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों कहते हैं समझ में आ गया क्या? मान लिया कि इसके अलावा कुछ और कंपाउंड ले लूं और वो NaOH और I2 के साथ में रिएक्शन कराऊं, तो क्या वो येलो प्रेसिपिटेट देगा क्या? नहीं देगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, टेस्ट कहते हैं। तो लास्ट में मैं बताने वाला हूं आखिर इसका क्वेश्चन कैसे आता है। तो आपका वीडियो हो गया फिनिश, मैं डिटेल अब बताने वाला हूँ। जिन बच्चों को और थोड़ा अच्छे से सीखना समझना है, आखिर रीजन समझना है, तो आगे का वीडियो देखें, अदरवाइज ये क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट विथ I2 एंड NaOH। तो यहाँ पे चार ऑप्शन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, चार और पांचवा ऑप्शन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है CH3 CH2OH एथेनॉल, इसको हम क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं। चलिए अब मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, आखिर डिटेल रिएक्शन देख लेता हूं। कई कई बार क्या होता है कि रिएक्शन के बीच से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये रिएक्शन स्टूडेंट्स कुछ स्टेप्स में होते हैं, वो स्टेप्स आपको मैं बता देता हूं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले NaOH और I2 को लिया जाता है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, ये स्टेप वन है, क्या किस कैसे आखिर ये रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले NaOH और I2 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये बनाएंगे आपको NaI प्लस NaOI प्लस H2O, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड, ठीक है, सोडियम हाइपोआयोडाइड। अब स्टेप टू में क्या होगा स्टूडेंट्स, स्टेप टू में आप देखिएगा, सपोज मैं आपको कीटोन ले लेता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ लिख लिया CH3, एक तरफ CH3 होना चाहिए और एक तरफ मैं लिख लेता हूँ R। अब ये किसके साथ में स्टूडेंट्स, NaOI, जो यहाँ फर्स्ट स्टेप में जो बनता है ना, मेरे को फर्स्ट स्टेप में ये जो NaOI बना उसे मैंने यहाँ ले लिया। तो ये अगले स्टेप में क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, ये बनाएगा R, R मतलब कोई भी कार्बन, ठीक है, O यहाँ बन जाएगा, देखो CH3 होने का रीजन क्या है, यहाँ बन जाएगा CI3, मतलब ये वाला आई जो है वो एच को रिप्लेस कर देगा, और एच को रिप्लेस कर देगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, वो एच निकलेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, NaOH बन जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से कितना निकला स्टूडेंट्स, 3 हाइड्रोजन निकलता है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पर मुझे 3 लेना पड़ेगा, और यहाँ पर भी ये NaO सोडियम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। खैर ये तो हो गया बैलेंस रिएक्शन की बात। अब इस कंपाउंड को देखिएगा स्टूडेंट्स, ये फर्दर NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा, क्या लिखा मैंने, यहाँ लिख लिया R C डबल बॉन्ड O CI3, ठीक है, प्लस प्लस ये किसके साथ में ट्रीट कर लिया, NaOH के साथ में ट्रीट कर लिया, देखो CI3, तो ये क्या बना लेगा, CHI3। तो यहाँ का जो H है वो यहाँ के साथ यहाँ पर चिपक गया, तो क्या बना लेगा, CHI3। यही क्या है, यही क्या है स्टूडेंट्स, आइडोफॉर्म है, और आइडोफॉर्म क्या हो गया, येलो प्रेसिपिटेट होता है, येलो अवक्षेप होता है, क्लियर हो गया। प्लस क्या बचा, देखो RCOONA बच गया, जो बच गया उसको लिख लो RCOONA, मतलब क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH,
अब H को मैंने मेटल से रिप्लेस कर दिया तो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। तो ये होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखना स्टूडेंट्स, यदि मैं यहाँ पर R के प्लेस पे कुछ भी ले लूँ, सपोज R के प्लेस पे मैं ले लेता हूँ CH3 ले लेता हूँ, ठीक है। यदि मैं CH3 लेता हूँ तो यहाँ CH3 रहेगा, यहाँ CH3 रहेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3COONA। तो ये तो एक्चुअली स्टेप्स हो गए। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहां CH3 होना चाहिए, इधर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, तो चार टाइप के कंपाउंड देते हैं। कौन से वो चार कंपाउंड हो गए, तो ये चार कंपाउंड होते हैं। देखो ये होता है 1 डिग्री अल्कोहल, एक होता है एसिटाइल्डिहाइड, एक होता है 2 डिग्री अल्कोहल, जिसके तरफ एक तरफ हो CH3 और चौथा होता है कीटोन। जैसे मैंने पूछ लिया स्टूडेंट्स प्रोपेनॉल 1, क्या बोला मैंने, बोला मैंने प्रोपेनॉल वन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। तो प्रोपेनॉल क्या होता है, प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो ये बना लिया मैंने 3 कार्बन, और 1 पोजीशन पे ऑल मतलब OH होता है, तो ये मैंने 1, 2, 3 OH लिख लिया। तो क्या ये CH2 और CH3 लिखा जा सकता है, तो ये होता है प्रोपेनॉल। तो क्या प्रोपेनॉल 1 आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो आप चेक कर लो क्या ये कंपाउंड में से वो चार में से है, नहीं है तो ये प्रोपेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ स्टूडेंट्स, ये मैंने बोला प्रोपेनॉल 2 बोल दिया, सपोज प्रोपेनॉल 2 आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या, तो प्रोपेनॉल 2 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। प्रोप मतलब हो गए 3 कार्बन, 2 पे ऑल है मतलब सेकेंड कार्बन पे OH लगा लिया, तो ये हो गया CH3CH और CH3। तो आप इसको देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाला कंडीशन अप्लाई होता है। तो देख सकते हैं OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके एक तरफ CH3 होना चाहिए, हालांकि इसमें दोनों तरफ CH3, मतलब तो ये आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इसका मतलब मैं यदि इसको NaOH और I2 के साथ में रिएक्शन करा दूं तो मुझे लास्ट में क्या मिलना है, CHI3 मिलना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला प्रोपेनॉल 1 और प्रोपेनॉल 2 को कैसे मैं डिस्टिंग्विश करूं, डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस, कैसे मैं इनमें अंतर कर सकता हूं। आपको मैं 2 कंपाउंड दे दिया, प्रोपेनॉल 1 दे दिया, प्रोपेनॉल 2 दे दिया, आप कैसे पहचानोगी कि कौन सा प्रोपेनॉल 1 है कौन सा प्रोपेनॉल 2 है। तो आप उसमें क्या करोगे, NaOH और I2 डाल दो एक साथ, जो प्रेसिपिटेट बना लिया वो प्रोपेनॉल 2 है। तो इस तरीके से हम आइडोफॉर्म रिएक्शन के इंपॉर्टेंस को समझते हैं स्टूडेंट्स, और 100% चांसेस हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर से आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से बच्चों ने को इसे छोड़ देते हैं या समझ में नहीं आता। तो आपको फाइनली मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि आप रिएक्शन के स्टेप्स को मत करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन ये चार आप कौन से कंपाउंड जो है वो आप याद कर लो कि कौन से आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।